तो इसमें भी गोबर भी डाल दिया है और बीज वगैरह भी उगा दिए हैं भिंडी के। बाकी इसमें देखते हैं इसमें हम क्या उगाएंगे। फिलहाल आज का मौसम देखो पॉली हाउस की खिड़की के अंदर से, ये देखो। बट इसकी पीठ में बहुत ज़्यादा लगी है, ये देखो भाई साहब, पूरा पीठ कटा हुआ है उसका। कुछ यहाँ पर है और बाकी इन आगे वाले पेड़ों पे है, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो इंटरनेट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे करीब 10 और अभी मैं हूँ अपने पॉली हाउस के अंदर। तो आज हमने इधर ना बहुत ही ज़्यादा काम किया है। जो मेरे पीछे क्यारी दिख रही है जो हल्की गीली गीली सी मिट्टी हो रही है ना जिसकी, इसमें आज हमने भिंडी लगा रखे हैं। तो अभी मैंने इसको मस्त खोद खा के मस्त किया था, तो अभी चाची ने इसमें भिंडी लगा दी अच्छे से और बाकी वाला भी तैयार किया। उसमें देखते हैं अभी हम क्या लगाएंगे, गाजर या कुछ और। तो बाकी आज हमने सभी क्यारी बना दी, इसमें पूरा रास्ता रेडी कर दिया है। और एक और चीज़ कर दिया तो हमने, पहले देखो एक क्यारी उधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक बड़ा सा उस साइड है। तो इधर हमने आज क्या कर रखा बताऊँ, हमने जैसा इधर कर ये रखा है कि जो हमारा सिल्वर का तार था इसे हमने पूरा ऐसा पूरा जाल जैसा बुन दिया ऊपर से, ये देखो पूरा जाल जैसा बुन दिया है। क्योंकि उस तरफ से जो हमारी ये देसी तुरई का पौधा है जिसको लगील बोलते हैं, तो इसमें हमें देसी तुरई लग रही है, ये देखो, और कुछ फूल भी आ रहे हैं। तो ये जैसे जो है ये गिर रहा था नीचे की ओर ज़्यादा वेट की वजह से, तो हमने इसमें आज पूरा जाली जैसा बुन दिया है और पूरा छत जैसा लग रहा है। तो अब जो ये बेल है पूरी इसके ऊपर से होते हुए ऐसे ऐसे फैलेगा चारों तरफ से इतने भर में, बस ज़्यादा हमने उतना किया नहीं है कि उस तरफ से इस तरफ तक, बस इतने में ही इतना लगा रखा है। और बाकी ये जो है इन्हें बाद में इन दोनों को इसी में लटकाएंगे बाद में, तो ये मस्त हो जाएगा। बाकी तोड़ने के लिए भी ऐसे और नीचे की ज़मीन में भी हम कुछ और उगा सकते हैं। तो बिल्कुल मस्त कर दिया है यार, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो फिलहाल आज का मौसम यहीं से देख लो, ये कुछ मौसम हो रहा है अभी का, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं बारिश वाले, और ठीक सामने हमारे कौसानी में कोहरा लगा हुआ है हल्का फुल्का, और ठीक सामने हमारा मडवे का खेत, इसमें मडवा पकना शुरू हो गया है। अब देखो हल्का फुल्का लाल होने लग गया मडवे का रंग, तो जब ये पक जाएगा इसे काट लेंगे धीरे धीरे करके, अब दाएँ फिर पिसवा लेंगे, फिर जाड़ों में जो है मडवे की रोटी खाने के लिए मिलेगी। और बाकी हमारे ककड़ी के पेड़ में इतने सारे फूल लगे हुए हैं, बट इसमें ककड़ी एक भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों, फूल इतने सारे बट ककड़ी एक भी नहीं है। फूल लग रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं, देखो ऐसे गिर जा रहे हैं फूल, फिर ऐसे मुरझा जा रहे हैं, इतने सारे फूल लग रहे हैं, बाकी सब गिरते रह रहे हैं, गिरते रह रहे हैं, बट ककड़ी एक भी नहीं लग रही है। तो सुबह मैंने अपनी जैकेट पहनी हुई थी क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत ठंड हो रही थी, कल बारिश हुई थी रात को इसी वजह से। तो अभी तो हल्का हल्का माहौल गर्म हो गया इसके अंदर, बाहर का मुझे पता नहीं टेम्परेचर क्या चल रहा है, बट इसके अंदर तो भाई बिल्कुल मस्त, ना धूप ना गर्मी ना ठंडी, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल मॉडरेट सा मौसम हो रहा है इसके अंदर अभी। तो दोस्तों पॉली हाउस का काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं आया हूँ घर के पीछे, दरअसल यहाँ इतने सारे बंदर आ गए मड़वा खाने के लिए कि क्या ही बताएं। तो अभी मैं ये गुले लेके आया था इनको भगाने के लिए, बट वो फिर भी नहीं भाग रहे। तो अभी चाची जो है वो मशाल बना रही है जो कि मैंने पहले ट्राई किया था, थोड़ा बहुत बंदर भागे थे उससे, बट लास्ट में मेरे पीछे पड़ गए सभी के सभी। तो अभी बड़ा सा मशाल बना रहे बहुत ही लंबी लकड़ी में, तो अभी देखते हैं भगाने की कोशिश तो करेंगे, अगर भाग गए तो ठीक है, नहीं भागे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो बंदर बैठे ठीक सामने, एक यहाँ पर बैठा है लकड़ी के ऊपर और बाकी कुछ इस साइड को है और कुछ नीचे को है। शाबाश, जल्दी लाओ। मशाल बन चुका है हमारा, भागने लग गए बंदर, ज्यादा ज्यादा कपड़े बांधना चाहिए था इसमें, लाओ दो ये गुलेल पकड़ना, ठीक है यहीं पे रखा है, यहाँ दिखाओ। तो दोस्तों पिछले करीब 2-3 घंटे से हम बस बंदर को भगाने में ही है, और ये देखो ये गुलेल है मैंने गले में लटका रखा, और साथ ही साथ एक लोहे की रोड लेके आया हूँ, और साथ ही साथ हमारे फादर भी आया है डब्बू, डब्बू जैसल अभी आया है, जस्ट अभी आया है बंदर भगाने के लिए,
बाकी अभी बंदर थोड़ा बहुत पेड़ में चढ़ गया, बाकी तो डब्बू ने भगा दिया उस साइड को। तो डब्बू है हमारे यहाँ पे, डब्बू को चोट भी लगी है। डब्बू आ, डब्बू अगर ठीक हो जाता तो बंदर को अच्छे से भगाया था, बट इसकी पीठ में बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखो भाई साहब, पूरा पीठ कटा हुआ है उसका। तो बंदर फंसे इस पेड़ में, ऊपर देखो कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पर हैं, और बाकी इन आगे वाले पेड़ों पे हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक सामने वाली पहाड़ी पे इतने आधे बादल लगे हुए हैं। देखो ये पिनात की पहाड़ी है, हमारी टॉप पे पिनात है, और जो हमारा मडवे का खेत है वह है यहाँ पर। बाकी हमारे नीचे खेतों में घास देखो कितनी बड़ी हो गई है, वह सोच का महीने लग गया अगले महीने से, तो अभी घास की कटाई भी शुरू हो जाएगी। और चारों तरफ जितनी भी घास दिख रही है ये सब धीरे धीरे कट के यहाँ पे अलग अलग से लूटे दिखेंगे कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही हफ्तों में कुछ लूटे यहाँ पे दिखेंगे, कुछ हमारे घर के पीछे दिखेंगे, ये सब घास कट जाएगी तो फिर से यहाँ पर मस्त हो जाएगा। और उसके बाद धान बड़े जाते तो फिर धान की बनाई भी शुरू हो जाएगी, तो अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत, बाकी पहले घास काटेंगे उसके बाद धान की बनाई होगी। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे करीब 5:30, और अभी मैं आया हूँ केले के पत्ते काटने के लिए। ये हमारे देखो इतने सारे केले के पेड़, तो इनमें से मैंने कुछ पत्ते काटने हैं, 4-5 पत्ते, क्योंकि झुक गए हैं नीचे खेत की ओर, तो इन्हें काटते फटाफट से गाय और भैंस के लिए। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी हो गई और पत्ते इतने बड़े हुए, और इसमें मैंने कोई लकड़ी बांधी भी नहीं है जिससे कि मैं ऊपर ऊपर से काट लेता। तो इसे उछल के ट्राई करते हैं। ओए कट गया एक, तो शाबाश, इसको ट्राई करते हैं। दो, ये भी कट गया, अब इसकी बारी। तीन, ओए अटक गया, तीन कट गया, तीन कट गए, एक इसको काटते हैं। चार, एक ही झुका है, इसको भी काटते हैं आधे से उछल के। पाँच, तो दोस्तों अभी मैंने इतने सारे पत्ते काट दिए, तो हम फटाफट से ले आते हैं और भैंस को दे देते हैं। बबली 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 बबली, तू इतनी तेज क्यों है? लगी, ओए लगी 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 तेरे को। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा था अभी कि केले के पत्ते गाय और भैंस के लिए देने मैंने, पर मैंने वो बकरियों को दे दिया है, क्योंकि बकरियों के पास कुछ था नहीं खाने के लिए, इसी वजह से मैंने सब बकरियों को दे दिया। गाय तो घास खा रही है,